डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हडूप इकोसिस्टम। तो हडूप इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं। कुछ कंपोनेंट्स हैं विच आर मैंडेटरी, जिनका होना बहुत जरूरी है, उनके बिना काम ही नहीं चलेगा। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज के लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। कंपोनेंट्स जो है वो क्या है, कैसे है, क्यों यूज करते हैं, वो सारे मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। सो बेसिकली एक्चुअल में हमें चाहिए क्या कि जो मेन काम है हडूप का वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज क्या चाहिए होती हैं, जैसे प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, हमें सिक्योरिटी का फीचर चाहिए, हमें स्केलेबिलिटी का फीचर चाहिए। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स चाहिए उनके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है जो कि मैंडेटरी कंपोनेंट है, दैट इज HDFS, Hadoop Distributed File System, जिसका मेन पर्पस ही क्या है कि डेटा को किस तरीके से मैनेज करके स्टोर करना है इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सके। तो ये स्टोरेज का सारा काम जो है वो HDFS संभालता है। ये फाइल सिस्टम है, जैसे हमारे नॉर्मल लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में, जैसे विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज के अंदर एक फाइल सिस्टम होता है NTFS, लिनक्स यूज कर रहे हैं तो NFS, डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम्स हैं, ऐसी ये Hadoop का फाइल सिस्टम है। तो ये मैंडेटरी पार्ट है। वैसे मैं अलग से मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, कौन से कंपोनेंट से कैसे वर्क करता है, तो आप वो वीडियो जरूर चेक कर लें। देन आ जाता है हमारे पास दूसरा यान। यान क्या है? येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। तो यहां पे यान का पर्पस क्या है? एक्चुअल में यान को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा मैप रिड्यूस के बारे में बता दूं। मैप रिड्यूस एक्चुअल में क्या है? डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि डेटा हमने डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रख दिया तो हमें एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो डेटा को पैरेलली एक्सेस कर सके और उसको प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करे। तो मैप रिड्यूस उस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब हडूप का पहला वर्जन आया 1.0, तो हडूप का जो ये मैप रिड्यूस का फीचर था, जिसमें क्या था, डेटा प्रोसेसिंग, कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है और साथ ही साथ रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, तो वो सारे पर्पस जो थे वो मैनेजमेंट का और डेटा प्रोसेसिंग का वो इसी का था, मैप रिड्यूस का। लेकिन बाद के वर्जन में उन्होंने क्या किया कि मैप रिड्यूस के ऊपर बहुत सारे जो है वो हमने काम ला दिए, तो उसकी वजह से हुआ क्या, ये स्लो होता गया, डेटा बढ़ता गया, ये स्लो होता गया। तो इसलिए इसको निकाल दिया यहां से और इसको निकाल के अलग से कंपोनेंट बना दिया, दैट इज यान। तो यान का पर्पस क्या है कि कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, कैसे जॉब्स को शेड्यूल करना है, वो सारा काम जो है वो अब यान देखता है। आप सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे अपना लैपटॉप है तो हमारे लैपटॉप में जो CPU है वो एक तरह से आप कह सकते हो मैप रिड्यूस है। हमारे लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज है, लिनक्स हम यूज करते हैं, वो क्या है, एक तरह से यान है। हमारे लैपटॉप में जो फाइल सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, विंडोज के अंदर ही जो आती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आती है हमारे, तो लेकिन अगर आप लेट्स से NTFS यूज कर रहे हो, NFS यूज कर रहे हो, तो वो आपकी एक तरह से जो फाइल सिस्टम है वो इसका काम हो गया। तो ये आप इस एग्जांपल से इसको समझ सकते हो। तो ये तीनों पर्पस आपको पता लगे, ये मैंडेटरी पोर्शन है। उसके बाद आ जाती है कहानी आपकी फ्लूम एंड स्कूप की। अब ये दोनों क्या है, डेटा कलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, डेटा इंजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वही लैपटॉप वाला एग्जांपल ले लो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हो, उस लैपटॉप में कंप्यूटर में डेटा कहां से आता है, डेटा कहां से इनपुट होता है, आप डाउनलोड कर रहे हो, पेन ड्राइव से डाल रहे हो, कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से डाल रहे हो, ऐसे ही आता है ना डेटा, तो वो बोलते हैं डेटा इंजेशन, डेटा का आना आपके सिस्टम में आना। तो यहां पे आपके सिस्टम में, हडूप के सिस्टम में डेटा कहां से आ रहा है, इन दो कंपोनेंट से आ रहा है, एक फ्लूम है जी और एक स्कूप है। स्कूप जो है वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, और फ्लूम जो है वो है अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। मतलब आप MySQL की कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, SQL सर्वर को यूज कर रहे हो, Oracle को यूज कर रहे हो, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को जनरेट करता है। अब उस स्ट्रक्चर्ड डेटा को मुझे हडूप के अंदर लेके आना है, HDFS के अंदर लेके आना है, तो मैं किसको यूज करूंगा, स्कूप को। ऐसी HDFS से मुझे लेके जाना है SQL सर्वर के अंदर, MySQL के अंदर, किसको यूज करूंगा, स्कूप को। लेकिन अब आज के टाइम पे तो हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से ज्यादा डील कर रहे हैं, फोटोज, वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग कर रहे हैं, तो जहां पे लाइव स्ट्रीमिंग आ गई, स्ट्रीमिंग डेटा आ गया, जहां से कॉन्टिन्यूसली डेटा आ रहा है, लॉग फाइल्स आ रही हैं, तो वहां पे फ्लूम जो है वो हेल्प करता है। तो फ्लूम अनस्ट्रक्चर डेटा स्ट्रीमिंग, कलेक्टिवली जो डेटा, रियल टाइम डेटा आ रहा है, उसके लिए जो है वो हम फ्लूम को यूज करते हैं, और ये स्ट्रक्चर डेटा के लिए यूज किया जाता है। तो ये मेन यहाँ पे फंड आ गया। देन एच बेस,
एच बेस क्या है, कॉलम जो है, कॉलम बेस से हम डेटा को यहाँ पे स्टोर करते हैं। होता क्या है, जनरली जो हमने रिलेशनल डेटाबेस डीबीएमएस में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मुझे डेटा को स्टोर करना है तो पहले स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, पता है ना, टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, वो सारी रोज एंड कॉलम्स बनाते हैं, फिर डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पे ऐसा फंडा नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले स्ट्रक्चर बनाओ फिर डेटा। ये कहता है डेटा लाओ और बिना किसी स्ट्रक्चर के स्टोर करो, इसीलिए यहाँ पे यूज करते हैं नो सीक्वल का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे ये जो एच बेस है ना, ये एक्चुअल में कॉलम ओरिएंटेड है। ये था रो, रोज में डेटा को स्टोर करते थे आरडीबीएमएस में, यहां पे कॉलम्स की फॉर्म में। ये लिया हुआ है गूगल का जो बिग टेबल प्रोजेक्ट था, उसी को ही आगे मॉडल करके इसको स्पेशली डिजाइन किया हुआ है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सके। देन क्लाउड एरा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये सारे फीचर्स आ गए कि यार डेटा को प्रोसेस करता है, मैनेजमेंट करता है, डेटा को स्टोर करता है, किस वे में डेटा को स्टोर करना है कॉलम्स की फॉर्म में वो भी पता लग गया, डेटा आ कहाँ से रहा है वो भी पता लग गया। अब यहाँ पे जो मेरा डेटा फाइनल में प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आई, उस आउटपुट को एनालाइज कैसे करना, उस आउटपुट को देखना कैसे है, या डेटा एनालिसिस भी बोल सकते हो, या अलग अलग पर्पज के लिए, जैसे हाइव। हाइव क्यों यूज किया जाता है, एसक्यूएल क्वेरी के लिए। मतलब नॉर्मली तो हम यहाँ पे जावा की कोडिंग ज्यादा करते हैं, तो जावा की कोडिंग में मैपर का, रिड्यूसर का, ड्राइवर का, बहुत बड़े बड़े कोड लिखने पड़ते हैं। अगर मुझे सीक्वल के फॉर्म में कोई कमांड लिखनी है, मतलब मुझे सीक्वल आती है और मैं उसको यूज करना चाहता हूँ हडूप के अंदर, तो मैं हाइव को यूज कर सकता हूँ। तो स्ट्रक्चर डेटा के लिए आप हाइव को यूज कर सकते हो, अगर आपका डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड है तभी हाइव को यूज किया जा सकता है, क्योंकि सीक्वल की कमांड्स के ऊपर बेस्ड है। देन पिग क्या है, पिग भी एक कंपोनेंट है जो कि स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किया जाता है। स्क्रिप्टिंग का पर्पस क्या है, वही जो मैंने बताया कि मैपर, रिड्यूसर, ड्राइवर क्लास जब हम लिखते हैं ना तो बहुत बड़े बड़े कोड लिखने पड़ते हैं, तो पिग आपको क्या कहता है कि जो आप 200 लाइनों में, 300 लाइनों में कोड लिख रहे हो उसको 10-20 लाइंस में खत्म कर दो। तो कहीं ना कहीं जो आपकी प्रोग्रामिंग की, जो आप कह सकते हो लाइन ऑफ कोड बहुत बड़ा है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज अ पिग। देन ऐसी इंपाला भी यूज किया जाता है, ऐसी एक आ जाता है हमारे पास महाउट। ये क्या है, महाउट क्या है, मशीन लर्निंग के एक डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज है जिनके अंदर ऑल द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर देयर। तो अगर मैं कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं बेस्ड ऑन हडूप की, वहां पे मशीन लर्निंग को मुझे यूज करना है, तो मैं अपाचे महाउट का वहां पे यूज करूंगा। महाउट क्या होता है, देखो ये जो हम यूज कर रहे हैं ना हडूप वगैरह, इनमें जो इसका आपने अगर सिंबल देखा हो तो सिंबल क्या है इसका, एलिफेंट। महाउट क्या है, ये हिंदी का वर्ड है जो एलिफेंट को चलाता है, ऊपर बैठ के एलिफेंट को चलाता है। तो ये एक्चुअल में महाउट जो है वो वही काम कर रहा है कि आपने अपने सिस्टम को स्केलेबल करना है, मशीन लर्निंग की फीचर उसमें डालने हैं, तो महाउट को वहां पे यूज किया जाता है। देन क्लाउड एरा। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि मेरे यहाँ पे चार फेजेस है। सबसे पहला फेज क्या है, डेटा को इनपुट करवाना, डेटा को इंजेशन करवाना। तो डेटा को इंजेशन करवाना, डेटा को इनपुट करवाने के लिए मैंने फ्लूम का यूज कर लिया, मैंने स्कूप का यूज कर लिया, तो डेटा अंदर आ गया। अब डेटा अंदर आ गया तो उसको कौन मैनेज कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है आपका एचबेस। HBase क्या है, किस वे से डेटा को आप स्टोर करो, व्हाट इज द मॉडल ऑफ दैट डेटा, तो वो आपने HBase में डिफाइन कर दिया। और एक्चुअल में मैनेज कौन कर रहा है, वो आपका मैनेज कर रहा है HDFS, तो उसने सारे डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रख दिया। अब उस डेटा को करना क्या है, उस डेटा को करना है प्रोसेस, तो वो प्रोसेस कौन कर रहा है, मैप रिड्यूस कर रहा है। वैसे अब तो और भी आ गया, अब तो आपका स्टॉर्म आ गया, इवन स्पार्क आ गया, जो कि मैप रिड्यूस से भी 100 टाइम्स फास्टर है, तो वो मैं आपको फर्दर पढ़ाऊंगा। तो ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए। अब इसने कुछ आउटपुट जनरेट की, इसने कुछ आउटपुट जनरेट की, उस आउटपुट को प्रॉपर वे से एनालाइज करना है, प्रॉपर वे से देखना है, डेटा को विजुलाइज करना है, टेबल्स की फॉर्म में जो डेटा आया या कोई भी रॉ डेटा मेरे पास आया उसको मेरे को प्रॉपरली दिखाना है। तो एनालिसिस के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पिग हो गया, इम्पाला हो गया, महाउट हो गया, ये सारे हम लोग यहाँ पे यूज करें। और फाइनली यूजर जो है, यूजर यहाँ पे जो बैठा है, यूजर अपने डेटा को कैसे डालेगा और उसने डेटा को कैसे देखेगा, सर्च कैसे करेगा इतने बड़े सिस्टम में, क्योंकि हडूप का जो क्लस्टर्स है बहुत बड़े हैं, तो वो सर्च कैसे करेगा, तो अपने डेटा को सर्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए क्लाउड एरा का यूज किया जाता है। तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आप प्रॉपरली डेटा को मैनेज कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो चीजों को। ऐसी अपाचे अंबारी भी आता है, ह्यू भी आता है, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है वो कंपोनेंट्स और भी आ जाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है उजी। उजी का पर्पस क्या है, बेसिकली वर्क फ्लो का काम करता है, जॉब्स को शेड्यूल करना। जैसे आपके पूरे सिस्टम में अगर मुझे अलार्म डालना है, क्लॉक डालना है कि कौन सी जॉब किस टाइम पे हो,
कितने टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए, ऑटोमेशन करनी है कि यार शाम को 5 बजे ये जॉब एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो उस चीजों को मैं उजी के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकता हूं। देन आ जाता है जू कीपर। जू कीपर मतलब नाम से पता लग रहा है ना कि आपके पास एलिफेंट है, पिग है, ये सारे हैं, इन सारों को मैनेज कौन कर रहा है? जू कीपर। तो ये जू कीपर वो है, एक बहुत बड़े लेवल पे अगर मुझे चीजों को मैनेज करनी है तो जू कीपर। यहां पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि सर यान भी तो वही कर रहा था, वो भी तो वही रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा था, और जू कीपर भी वही काम कर रहा है, प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा है, प्रॉपर जो है वो मैनेजिंग कर रहा है। आप इसको इससे समझ सकते हो कि अगर मुझे एक लैपटॉप को मैनेज करना है तो एक तरह से आप यान को यूज कर सकते हो। अगर आपको बहुत बड़े हडूप के डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स को कंबाइन करके रखा हुआ है, बहुत बड़े क्लस्टर्स हैं, तो बहुत बड़े क्लस्टर्स में आप जू कीपर को यूज कर सकते हो। मतलब जैसे नॉर्मल लैपटॉप में हम लोग विंडोज को यूज करते हैं तो वो वहां पे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सर्वर लेवल पे बात करूं जहां पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हजारों लाखों यूजर एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पे वो पर्पस फेल हो जाता है, फिर मुझे एक्स्ट्रा जो है वो फीचर लगाने पड़ते हैं। तो जू कीपर उस केस में आप कह सकते हो कि काम आएगा, काम इसका वही है, मैनेजमेंट वाला ही। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो आपके हडूप इकोसिस्टम में यूज किए जाते हैं। थैंक यू।